हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर, हमारे एक दोस्त आए हैं सऊदी से आफ्ताब भाई, उनको रिसीव करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं हमारे शैलेश भाई, ड्राइविंग कर रहे हैं, इनकी फॉर्चुनर से जा रहे हैं हम एयरपोर्ट पर। तो दिखाते हैं किस तरह का एयरपोर्ट है लखनऊ का। मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, आपसे पहले कभी नहीं आया। चलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपके साथ, बने रहिए वीडियो में। और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर देना। काम चल रहा है अभी यहाँ पर, काफ़ी डेवलप हो रहा है यहाँ का एयरपोर्ट। ज़्यादा बड़ा नहीं है बट फिर भी बहुत सुंदर है। क्या खूबसूरत व्यवहार आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी और साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखा गया, जगह जगह पर आपको सिक्योरिटी और सफाई कर्मचारी मिल जाएंगे। गाइस व्यू देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत और काफ़ी शांत माहौल, शांत वातावरण। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लखनऊ में हो ही नहीं, कहीं विदेश में हो, आउट ऑफ कंट्री, विदेश वाली फीलिंग आ रही है। बट हम लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए आप, लखनऊ में हैं हम। काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट यहाँ का। पार्किंग की यहाँ से स्लिप लेनी पड़ेगी। चलिए स्लिप ले लेते हैं पार्किंग की और अंदर चलते हैं। कितनी देर रुकते हैं, क्या चार्ज लेते हैं, वो आपको बाद में बताएंगे हम। आफ्ताब भाई जो है वो अंदर आ चुके हैं, टर्मिनल नंबर 2 पे बता रहे थे शायद। अब देखते हैं कहाँ मिलते हैं हमें। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये न्यू एयरपोर्ट है, मैंने एक वीडियो में देखा था। तो न्यू एयरपोर्ट है ये और ओल्ड एयरपोर्ट इसके आगे है। तो अब पता करते हैं कि न्यू एयरपोर्ट पे हैं वो कि ओल्ड पे हैं। काफ़ी खूबसूरत है एयरपोर्ट आप देख सकते हैं, बट ज़्यादा बड़ा नहीं है। दिल्ली और एयरपोर्टों के मुकाबले बहुत छोटा है। मैंने अभी दिल्ली का विज़िट किया है और कैंप पगोड़ा बेंगलोर का एयरपोर्ट देखा था, वो तो काफ़ी बड़ा था, उसके मुकाबले बहुत छोटा एयरपोर्ट है। तो अभी हमने पता करा भैया से कि जो आने वाले बंदे हैं वो ओल्ड एयरपोर्ट पर मिलते हैं, उधर ही चलते हैं, वहीं हमारा आफ्ताब भाई वेट कर रहे होंगे। उनके पास नंबर तो है नहीं क्योंकि सऊदी से आ रहे हैं, तो इंडिया का नंबर उनका अभी काम नहीं कर रहा। ये व्यू देख सकते हैं एयरपोर्ट का आप, कितना खूबसूरत है। आई लव लखनऊ। तो ये है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए अब ओल्ड एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं, वहीं पर आफ्ताब भाई हमारा वेट कर रहे हैं। देख सकते हैं ये जो है ओल्ड एयरपोर्ट है। ओल्ड एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी इधर भी काम चल रहा है। तो जितने भी एग्ज़िट करते हैं बंदे सब इधर ही आते हैं, आने वाले बंदे सब इधर ही मिलेंगे। कोई अगर किसी बंदे को अपने साथ को फ्रेंड वगैरह को लेना आए तो ओल्ड एयरपोर्ट पर ही आना। जो जाने वाले बंदे हैं वो न्यू एयरपोर्ट से जाते हैं। तो आफ्ताब भाई हमारे इधर ही कहीं खड़े होंगे, हम देखते हैं और उनको रिसीव करके चलते हैं फिर हम वापस। ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें, 10-12 मिनट हुई होंगी अभी कोई तकरीबन। तो देखते हैं किधर है हमारे आफ्ताब भाई।
आफ्ताब भाई हमारे शैलेश भाई के फ्रेंड हैं और पड़ोसी भी हैं, मैं तो जानता नहीं हूँ बट इन्होंने मुझे फेस बता दिया। यही आफ्ताब भाई हैं सामने खड़े हैं, जो अभी ने रिसीव कर लिया, हमने वापस चलते हैं, बिठा लिया हमने गाड़ी में अपनी, चलते हैं वापस बैक। तो कैसा लगा बताना लखनऊ का एयरपोर्ट, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ये सामने यहाँ का मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से आलमबाग, चारबाग और आगे के लिए मेट्रो मिल जाएगी, आप मेट्रो से भी जा सकते हैं। चलिए एग्ज़िट की तरफ चलते हैं अब धीरे धीरे, और क्या चार्ज लगता है वो आपको बताते हैं। आप व्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, दोपहर का टाइम है, धूप निकल रही है, शाम के टाइम नज़ारा कुछ और लगता देखने में। इस टाइम गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो धूप बहुत तेज़ है। अब हम पहुंच गए हैं एग्ज़िट के पास, स्लिप देते हैं भैया को और देखते हैं कितना चार्ज लेते हैं। कोई 12-13 मिनट हमें हुआ है अंदर, तो भाई ने लिए हैं 13 मिनट, हमारी गाड़ी अंदर रुकी है और 90 रुपये भाई ने लिए हैं। तो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, कैसा लगा आपको लखनऊ का एयरपोर्ट। जो लोग आसपास से वीडियो देख रहे हैं तो वो अपना सजेशन ज़रूर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।